हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी डी टी एफ बी। दोस्तों, सी डी टी एफ बी के नए वीडियो नए ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गोल्ड लिखा हुआ है गोल्ड कलर में। तो ये किस तरह आप कोरल ड्रॉ में बना सकते हैं, मैं इस तरह का आपको बनाने की टेक्निक बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार डिज़ाइनर्स परेशान होते हैं जो नए हैं, कुछ कम जानते हैं कोरल ड्रॉ को, उनको इस तरह के इफेक्ट बनाने में परेशानी आती है और फिर दूसरे सॉफ्टवेयरों की मदद लेते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयरों में जाके तलाश करते हैं रास्ते। उनके लिए मैं आज का वीडियो लाया हूं ताकि ये जल्दी से आसानी से कैसे बनाएं, ये सिर्फ टेक्निक आप समझ जाएंगे तो आराम से बना पाएंगे। तो मैं आपको जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। चलिए, ये लिखा हुआ है गोल्ड। तो सबसे पहले गोल्ड है तो हमें लिखना होगा इसी तरह से। मैं यही फॉन्ट लगाकर यही सब कुछ दिखाऊंगा आपको। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था। और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लूँगा GOLD गोल्ड। और यहाँ मैंने फॉन्ट लगाया हुआ था बैक टू ब्लैक बोल्ड। ये देखिए, ये वाला फॉन्ट है ये। तो जल्दी से हमने ये टाइप कर लिया गोल्ड। और मैं फिलहाल इसको आउटलाइन में कर देता हूँ, अभी कलर वगैरह कुछ नहीं डालना है। ये देखिए, आउटलाइन करने के बाद अभी फॉन्ट में परेशानियाँ ये आएंगी। ये देखिए, एक के ऊपर एक, ये वन पीस नहीं है, जैसे इसमें वन पीस फिल दिखा रहा है। इससे हमें बाद में इफेक्ट बनाने में परेशानी आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक इसकी कॉपी रख लेंगे इस फॉन्ट में ये। आप हो सकता है जो दूसरा फॉन्ट यूज़ करेंगे उसमें आपको ना आए ये परेशानी इस तरह की। तो मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। अरेंज में जाएंगे और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे टेक्स्ट को, या राइट बटन क्लिक करके भी कर सकते हैं आप। दूसरी चीज, इसको मैं वेल्ड कर दूंगा। देखिए, मैं यहां से इसको ब्रेक करूंगा और यहां से ये वेल्ड कर दूंगा। ये देखिए, तो ये इस तरह का हो गया। लेकिन अभी ये, क्योंकि वेल्ड होने के बाद ये चला गया, तो हम इसको कंट्रोल एल से इंटरसेक्ट कर कर देखेंगे। ये देखिए, ये भी नहीं चलेगा। तो हम इसको सिंपली वर्चुअल सेगमेंट टूल डिलीट टूल लेंगे और यहाँ से इस तरह बना लेंगे। हमें फिल चाहिए ये पूरा। ये देखिए, इस तरह अब ये सही है जैसा हमें चाहिए। तो हम स्मार्ट फिल टूल से इसका ये फिल क्रिएट कर लेंगे, ये हमारे काम का है। ये देखिए ये, और इस सब को मैं डिलीट कर दूंगा। ये इस फॉन्ट के साथ परेशानी आई है, ज़रूरी नहीं है आपको भी इस तरह की चीज़ें आए सामने, लेकिन अगर आए तो उसका सॉल्यूशन ये है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। चलिए, ये क्रिएट हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें मैंने एम्बोज करने के लिए चीज़ें क्रिएट की हैं। देखिए, यहाँ से एम्बोज दिखाई दे रहा है, यहाँ से थोड़ा सा कलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है दूसरे कलर का, और पीछे एक और ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है। तो हमें चार लेयर्स अलग अलग बनानी होंगी इसके लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी बेस लेयर बनाएंगे। सबसे पहले इसकी एक इस तरह कॉपी कर कर ड्रैग कर कर यहाँ कहीं रख लेंगे। देखिए, ये मैंने कॉपी कर ली राइट बटन क्लिक करके माउस का। देखिए, मैं जब भी राइट बटन क्लिक करूंगा माउस का या कॉपी करूंगा, तो आपको स्क्रीन पर गोल राउंड सर्कल दिखाई देंगे माउस के पॉइंटर पे ब्लू कलर के। तो समझ जाइएगा वो मैंने राइट बटन क्लिक किया है माउस का। तो एक कॉपी हो गई है ये इस तरह। अब इसकी एक कॉपी और बनाऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहली मैंने ये गोल्ड वाली बनाई है आउटर, अब मुझे ये वाली बनानी है। तो इसके लिए मैं एक कॉपी और यहां बनाऊंगा इस तरह कुछ, इतनी सही है। देखिए, इनके अलग अलग कलर करता हुआ चलता हूं ताकि आप समझ पाए। ये ब्लू है और ये मजेंटा है और एक अभी ब्लैक है। तो सबसे पहले मैं मजेंटा को सिलेक्ट करूंगा। देखिए, और जूम कर लेता हूं। मजेंटा वाली के बाद शिफ्ट के साथ ब्लू को सिलेक्ट करूंगा और मजेंटा से ब्लू वाली को ट्रिम कर दूंगा यहां से। ये देखिए, टॉप पर आप देख सकते हैं ये ट्रिम का बटन है। ये देखिए, इससे क्या हुआ, ये सारा अनवांटेड एरिया जो मुझे नहीं चाहिए था वो डिलीट हो गया और मेरे पास ये इस तरह का कुछ इफेक्ट मिल गया बनकर ये शेप। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर वापस ला रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास तीन लेयर्स हैं, एक ये और एक ये ब्लू वाली और एक ये मजेंटा वाली। तो कंट्रोल जेड कर वापस आ गया मैं। एक लेयर और बनाऊंगा, वो मैं अभी बाद में बनाऊंगा, या चलिए अभी बना लेते हैं।
मेन मजेंटा मेन लेयर है, तो मजेंटा को मैं सबसे ऊपर रखूंगा टू फ्रंट होम, तो मजेंटा ये है। अब हमें बनाना है ये वाला डेप्थ एज वाला जो बाहर है, तो इसके लिए हम एक कॉपी और करेंगे इसकी इस तरह कुछ। देखिए यहां डेप्थ चाहिए मुझे इतनी, ये सही है, और इसको मैं कर देता हूं ग्रीन। तो अब हमारे पास ग्रीन मजेंटा ब्लू एंड ब्लैक है, तो मैं इस बार मजेंटा सेलेक्ट करूंगा पहले, उसके बाद शिफ्ट के साथ ग्रीन सेलेक्ट करूंगा। देखिए ग्रीन सेलेक्ट किया और मजेंटा से ग्रीन को ट्रिम कर दूंगा, ये मैंने ट्रिम कर दिया। तो अब मेरे पास एक शेप और मिल गया। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये यकीन मानिए जब आप ये लेयर्स को इनको अलग अलग शेड्स को समझ जाएंगे तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ये देखिए ग्रीन हो गया, मैं आपको सेपरेट कर दिखा देता हूं, फिर बाद में कंट्रोल जेड कर लूंगा। सबसे पहले ये नीचे रख देता हूं ग्रीन, फिर उसके बाद हमारा हो गया मजेंटा, फिर उसके बाद हमारा हो गया सियान, और फिर ये गोल्ड। इस तरह से हमारे पास अलग अलग चार लेयर्स बन गई हैं इसकी, तो हम चार कॉपीज इसकी ये रख लेते हैं। अच्छा यहां मैंने ग्रेडियंट जो यूज किए हैं वो मैंने ये यहां रख लिए हैं। ये ग्रेडियंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ये बना हुआ इफेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में कोरल ड्रॉ की फाइल दे दूंगा, CDR PDF भी डाल दूंगा। जिनके पास कोरल ड्रॉ ना खुले लोअर वर्जन हो वो PDF फाइल को डायरेक्ट कोरल ड्रॉ में ओपन कर सकेंगे। तो मैंने ये दो ग्रेडियंट यूज किए हैं सिर्फ। सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाले में अप्लाई करता हूं। देखिए ग्रीन आउटलाइन मेरी यहां दिखा रहा है राइट साइड में बॉटम में, और यहां से मैं एडिट में जाऊंगा कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, मैं तीनों प्रॉपर्टीज ले लूंगा ये और अप्लाई करूंगा ये वाला डार्क वाला जो इस तरह एंगल आ रहा है। उसके बाद मैं मजेंटा सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए मजेंटा आउटलाइन सेलेक्ट है मेरी। मैं फिर से एडिट में जाऊंगा, फिर से कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम करूंगा और यहां ओके करूंगा, ये अप्लाई कर दूंगा। अब ये दो कलर होगा तो मेरा ऑप्शन का ये हो गया कंप्लीट। अब मैं यहां से आई ड्रॉप पर टूल लूंगा बॉटम से, यहां से भी यूज कर सकते हैं आप। ये देखिए यहां से इसको जूम कर लूंगा माउस को स्क्रॉल करके, डार्क वाली टोन सेलेक्ट करूंगा और यहां इस ब्लू के अंदर फिल कर दूंगा स्मार्ट फिल से। ये देखिए ये हो गई फिल, आउटलाइन को नन कर देंगे हम ब्लू वाले की। ये देखिए ब्लू आउटलाइन सियान की नन कर दी। बचा ये वाला लास्ट वाला, लास्ट वाले में हम फिर से ब्लैक वाला सेलेक्ट करेंगे। ब्लैक वाले में हम फिर से ये ग्रेडियंट टूल में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, यहां से इस तरह ये वाला ग्रेडियंट फिल कर देंगे। ये देखिए ये फिल हो गया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है इफेक्ट, लेकिन अभी इसमें देखिए ये स्पार्कल्स नहीं है और यहाँ का एम्बोजिंग इफेक्ट नहीं है। तो एम्बोजिंग इफेक्ट के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए सबसे कॉर्नर वाला जो सबसे पहले मैंने फिल किया था ये वाला, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। देखिए कॉपी इसलिए करिए क्योंकि अभी मैं इसको बिटमैप करने वाला हूं। बिटमैप करने के बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो बाकी के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे। देखिए ये मैं अभी सिलेक्ट कर पा रहा हूं, अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको बिटमैप कर दूंगा, आपको फिलहाल टेम्परेरी कर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए कन्वर्ट टू बिटमैप 300 DPI या 600 DPI जितना आपको चाहिए। देखिए मैंने इसको बिटमैप कर दिया तो अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट, ये मेरा ऊपर वाला ये एज वाला सिलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं। ये वेक्टर है, अभी मैंने कॉपी किया हुआ था तो राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूं। ये देखिए अब ये दो कॉपी हो गए इसकी, एक ये और एक ये। तो मैं कंट्रोल जेड कर वापिस आ रहा हूं, मेरी एक कॉपी है अब, यहां बिटमैप करूंगा इसको। मैं बिटमैप इसलिए कर रहा हूं कि ताकि मैं इसमें इफेक्ट डाल सकूं। इफेक्ट मैं वेक्टर पे भी डाल सकता था लेकिन मुझे वेक्टर वाले पे मजा नहीं आता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि यहां टेक्सचर में जाकर प्लास्टिक इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लास्टिक इफेक्ट इस तरह। अब इसमें कितनी लाइटिंग रिफ्लेक्शन ये दिखाने हैं वो सब आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैनुअली जहां आपको अच्छा लगे वहां आप यूज कर सकते हैं, ड्रैग कर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिए कि आपके डिजाइनिंग के हिसाब से, आपके टेक्स्ट के इफेक्ट के हिसाब से कौन सा सही एंगल जा रहा है। ये देखिए जहां मुझे अच्छा लगेगा मैं वहां यूज करूंगा।
देखिए यहाँ ब्लैकनेस थोड़ी सी कम हो गई है, भी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन ब्लैकनेस से शेडिंग थोड़ी सी अच्छी बनकर आती है। मैं शेडिंग दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गई, ये देखिए इतनी डेप्थ भी सही है, मेरे ख्याल से सही है, हल्का सा दिख भी रहा है एम्बोज और इफेक्ट भी है। चलिए मैं इसको यहाँ ओके कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे ऊपर वाला यही सिलेक्ट होगा, तो अब इसलिए मैं इसको सबसे पीछे कर दूंगा, बिहाइंड ऑर्डर टू बैक, और फिर राइट बटन क्लिक करूंगा माउस का, फिर से पावर क्लिक करूंगा इस वाली आउटलाइन के अंदर, तो मेरा इफेक्ट आ भी गया और वेक्टर के अंदर आ गया है। देखिए इस तरह अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मुझे परेशानी नहीं होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को। देखिए तो इस तरह ये काम करता है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं यहां एक इसको हटा देता हूं और यहां एक रेक्टेंगल बनाकर बिहाइंड कर दूंगा पीछे इसके पेज के, और ये वाला ब्लैक कॉपी कर लूंगा जो मुझे ये वाला, तो ये इसी तरह का इफेक्ट बन गया है। अब इसके अंदर ये स्पार्कल्स मैंने दिखाए, स्पार्कल्स कैसे बनाए इसके वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ आपको, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ओवल शेप लेंगे एक इस तरह कोई, जितना बड़ा भी हमें लेना है, इसको वाइट फिल करूंगा मैं, ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे यहाँ टॉप से सेकंड वाला फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे, और यहाँ से रेडियल यानी कि राउंड वाला ओवल के अंदर, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। देखिए लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हमारी काफ़ी नहीं है, अभी हम इसको पहले इसको रोटेट कर एंगल बनाएंगे इसका, जहाँ रिफ्लेक्शन के अच्छे लगेंगे हमें। देखिए मान लीजिए हमें यहाँ कहीं रिफ्लेक्शन दिखाना है, हम इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ थोड़ा सा हार्ड लाइट कर देखते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है, यहाँ ऐड कर देखेंगे, ये भी अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा लाइटिंग दिखा रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा, हार्ड लाइट सही है मेरे हिसाब से, और इसकी एक कंट्रोल के साथ कॉपी करूँगा और इस तरह, तो ये दो कॉपी इसकी हो गई और इनको एक साथ ग्रुप कर लेंगे। अब इसको मूव करते रहिए जहाँ भी आप रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ कहीं लाइट दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ लाइट दिख रही है थोड़ी सी, यहाँ दिखा सकते हैं, और यहाँ भी आप रोटेट कर लीजिए ताकि चारों एंगल्स के दिखाई दे जाएँ, यहाँ कहीं दिखा सकते हैं, ये देखिए यहाँ कहीं दिखा सकते हैं, बड़ा कर लीजिए कुछ पोर्शन में। अभी एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, देखिए ये यहाँ रख लेता हूँ एक और छोटा सा, तो इस तरह स्पार्कल जितने आप चाहें, जहाँ आपको लगे कि यहाँ थोड़ी सी शाइनिंग का इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ आप डाल सकते हैं, एक स्पार्कल यहाँ कहीं बॉटम में भी लगा दीजिए। चलिए अच्छा ये स्पार्कल मान लीजिए हमारे काफ़ी हो गए, लेकिन अब एक चीज और देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये जो है मैंने एम्बोस किया है थोड़ा डल लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए एक तरीका होता है मैंने पहले बताया आपको, अगर इसको एडिट करना है जो इसके अंदर पावर क्लिप है, तो ऑल्ट के साथ डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ, तो अभी हमारा पावर क्लिप वाला सिलेक्ट है, देखिए अभी मूव कर रहा हूँ तो ये इफेक्ट गायब हो गया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके इनसाइड जो है वो सिलेक्ट हो गया है, देखिए यहाँ बिट मैप दिखा रहा है, तो मुझे यही करना है। अब मैं यहाँ से इसके इफेक्ट को हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऐड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, देखिए ऐड ऐड बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, ओवरले देखेंगे, ओवरले अच्छा लग रहा है लेकिन ये भी मज़ा नहीं आ रहा उतना, हार्ड लाइट ज़्यादा बेहतर है, हार्ड लाइट का यूज़ करेंगे हम, ये देखिए इससे इसमें शाइनिंग आ गई, हार्ड लाइट यूज करते ही हमारे इफेक्ट और भी खूबसूरत हो गया है। मैं आपको फुल स्क्रीन कर दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का गोल्ड इफेक्ट हमने कोरल ड्रॉ में बहुत आसानी से बना लिया, कुछ स्टेप्स फॉलो किए हमने, सिर्फ एक बिट मैप बनाया है, बाकी सब ट्रिमिंग करके शेप निकाले हैं सिर्फ टेक्स्ट के, और इस तरह का शेप बना लिया। आप चाहें तो इसमें ड्रॉप शेडो वगैरह और ऐड कर सकते हैं, उनसे थोड़ी सी डेप्थ और निकाली जा सकती है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक ऑप्शन, वो भी
देखिए एक ये है और इसके नीचे कॉपी कर लेते हैं और ये वाला सिलेक्ट करूंगा मैं जिसमें मैंने एम्बोज इफेक्ट बिट में पावर क्लिक किया हुआ है और इसके ऊपर हल्का सा मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ। ये देखिए ड्रॉप शेडो ऐड करने से थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में डेप्थ आ जाएगी और ये देखिए देखिए हल्की सी डेप्थ इसमें आ गई है। तो ये था हमारा गोल्ड इफेक्ट का टेक्स्ट के अंदर किस तरह डाला जाए ट्यूटोरियल। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और कोई परेशानी तो नहीं आई इसको समझने में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान तरीका था, इसको आप किसी पैटर्न, अगर सिंपल आप कोई एलिमेंट पैटर्न वाले यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन के अंदर, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। ट्राई करिए डिज़ाइनिंग में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहा कीजिए, मेरे वीडियो देखते रहा कीजिए, कुछ इफेक्ट उसमें बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को पहले भी मिल जाएंगे, पैटर्न के ट्यूटोरियल्स हैं वो आपके काम आएंगे। और किस तरह के ट्यूटोरियल आप चाहते हैं मैं बनाऊं आप लोगों के लिए मुझे कमेंट में लिख दीजिए और जल्दी ही नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सी डी टी एफ बी। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ सी डी टी एफ बी फैमिली।